कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी कहर बरपाने लगी है। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में कोरोना के संक्रमण दर 36% से ज्यादा हो गई है। एक तरफ कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की मारामारी मची है, तो दूसरी ओर नए मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या हालात को बेकाबू कर रही है। लेकिन इसी बीच NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। NCDC के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कहर का कारण है यूके वेरिएंट। जिस तरह कोरोना के यूके वेरिएंट ने पंजाब में हाहाकार मचा रखा है, ठीक उसी तरह दिल्ली में भी लोगों को तेजी से बीमार कर रहा है। गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं खाली है। दिल्ली में कोरोना का आफतकाल। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। हफ्ते दिल्ली को सांसों की दरकार। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल खुले, बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा हाथ जोड़ रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा। दिल्ली में किलर कोरोना का सच। देश की राजधानी दिल्ली की बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में है। लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार पूरा जोर लगा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर अस्थायी अस्पताल बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली वालों का सबसे बड़ा इम्तिहान ले रही है। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, GDB लोकनायक, सारे अस्पताल में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। मेरी मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल घूमे, बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाता तो उसको देखूं मैं, अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से जंग लड़ रही है, लेकिन ये जंग कितनी मुश्किल है इसकी तस्दीक करते हैं ये आंकड़े। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,169 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान कोरोना से रिकॉर्ड 306 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में अब तक 9,56,348 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं और 13,193 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 8,51,537 मरीज ठीक हुए हैं। इस समय दिल्ली में कोरोना के 91,618 एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना की लहर ने आंधी का रूप अख्तियार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में ही इस घातक वायरस ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, लेकिन अब जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ज्यादा परेशान करने वाले हैं। NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो दिल्ली में कोरोना के यूके वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिससे स्थिति भयावह हो गई है। NCDC के मुताबिक पिछले महीने यानी मार्च के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में यूके वेरिएंट के 28% मामले थे, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते तक ये आंकड़ा 50% तक पहुंच गया। मतलब ये हुआ कि मार्च के महीने में ही कोरोना के यूके वेरिएंट के मामले लगभग दोगुने हो गए। यूके वाला वेरिएंट फॉर्चुनेटली बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन इसकी मोर्टैलिटी उतनी नहीं है जितने कि ब्राजील या साउथ अफ्रीकन या महाराष्ट्रियन वाले की है। लेकिन फिर भी हम बहुत केसेस हैप्पी हाइपोक्सिया के देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में। तो मेरा पर्सनल मानना है कि दिल्ली में इस वक्त में कम से कम दो या तीनों वेरिएंट्स दिख रहे होंगे। 50% यूके वाले हैं जो माइल्ड है, लेकिन एक दूसरा वेरिएंट दिल्ली में है, चाहे वो महाराष्ट्र वाला हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल वाला हो,
जो इस वक्त के अंदर में हमारे यहाँ पे मोर्टैलिटी कर रहा है और ज्यादा निमोनिया कर रहा है। इस समय दिल्ली में कोरोना का यूके वेरिएंट और डबल म्यूटेंट वेरिएंट मौजूद है, जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में आए लोग सांसों के लिए तरस रहे हैं। दरअसल कोरोना का यूके वेरिएंट बेहद घातक है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के हवाले से दावा किया गया है कि यूके वेरिएंट पहले के वाइल्ड स्ट्रेन से 43 से 90 फीसदी ज्यादा तेजी से फैलता है, जबकि यूके वेरिएंट से मौत का खतरा 64 फीसदी तक बढ़ जाता है। भारत में तीन वेरिएंट ज्यादा आ रहे हैं, एक यूके का है, एक महाराष्ट्र का 617 है और एक वेस्ट बंगाल का 618 है। और जो वेरिएंट पंजाब का आ रहा है वो दिल्ली में अब करीबन 50% यूके वेरिएंट हो गया है। वो एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि यूके की ज्यादा माइग्रेंट पंजाब में आती है और इसलिए यूके वाला का फोकस पंजाब में होना लाजमी था। और पंजाब से दिल्ली सटा हुआ है तो दिल्ली में भी वही ज्यादा आएगा। तो इस वक्त में तीन नए फोकस इंडिया में चल रहा है, एक दिल्ली में यूके वाला, महाराष्ट्र में 617 एंड वेस्ट बंगाल में 618। पिछले महीने पंजाब में यूके वेरिएंट के 85% मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था, लेकिन देखते ही देखते कोरोना के इस नए और घातक रूप ने दिल्ली में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। इसे आप इन आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं। 9 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए थे। 10 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 7,897 हो गया, जबकि 22 अप्रैल को कोरोना के 26,169 नए मामले सामने आए। NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो दिल्ली में जिस तरह कोरोना ने तेजी से अपने पैर पसारे हैं उसके पीछे यूके वेरिएंट हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की। जरूर कुछ कुछ म्यूटेंट्स हैं जो ट्रांसमिशन एफिशिएंट है, लेकिन वो ट्रांसमिशन एफिशिएंट होते हुए भी हमें संक्रमित नहीं कर पाएंगे हम फेस मास्क लगा लेंगे तो ये एसोसिएशन पाया गया, बाहर का देशों में पाया गया, इंडिया में भी पाया गया, लेकिन इसका हमें ये समझना नहीं चाहिए। ये तो एक न्यू म्यूटेंट है, ये तो हमें संक्रमित कर देंगे, हमारा हाथ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल हमारा हाथ पे ही है। ये न्यू म्यूटेंट्स हो या पुराना म्यूटेंट्स हो, उसका फैलने का तरीका एक ही है। तो हमें जो करना चाहिए, जो टाइम टेस्टेड प्रूवन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज है वो हमें अपनाना चाहिए। भारत सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर जोर देते हुए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दे रही है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीका लगाने का महाअभियान शुरू हो रहा है, तो दावा किया जा रहा है कि यूके के नए वेरिएंट के खिलाफ भी भारत में इस्तेमाल किए जा रहे दो कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन असरदार है। इसीलिए वैक्सीन की प्रक्रिया में तेजी आने से भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। और इसी के साथ एक ब्रेक।